क्लास 10 चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का 8th क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, जिसमें एक टीचर ने एब्सेंटीज रिकॉर्ड बनाया। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ नंबर ऑफ डेज हैं। जैसे 11 स्टूडेंट्स 0 to 6 डेज एबसेंट रहे, इसका मतलब क्या हुआ, 11 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से कुछ एबसेंट नहीं भी रहे, कुछ एक दिन रहे, कुछ दो दिन रहे, 6 दिन के अंदर अंदर का। जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं 6 to 10 डेज एबसेंट रहे, यानी कि 10 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चे 6 दिन रहे, कुछ दिन 7 दिन, कुछ 8 दिन, इस तरह से ये रिकॉर्ड बनाया गया। इसका हमें मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंटीज कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टूडेंट, पहले क्लास मार्क के लिए हम एक कॉलम बनाएं, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी एफ आई, क्लास मार्क एक्स आई। नाउ स्टूडेंट देखिए हम कौन सा मेथड यूज़ करें। तो यहाँ सबसे पहली बात देखिए, क्लास साइज यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो अलग अलग क्लास साइज है। तो हमें स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, एच क्लास साइज फार्मूले में होता है। तो आइदर वी शुड यूज़ द एज्यूमिंग मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो देखिए डेटास की वैल्यूज़ बहुत कम है, तो वी कैन यूज़ द डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ एक्स आई एंड एफ आई, तो पहले हम क्लास मार्क दिखा लें। देखिए बिल्कुल आसान, 0 to 6 डिवाइडेड बाई 2, 3, ये 16 है, तो 8, 24, 12। अब एक बात ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको जैसा कि हमें प्रैक्टिस थी कि एक ही क्लास साइज से हमें बढ़ना है, वो नहीं करना है, क्योंकि सब अलग अलग है, तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है। अब एक्स आई इंटू एफ आई, अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो गिवन है ऑलरेडी, और यहाँ टोटल किया तो भी आ रहा है 40, सिग्मा एफ आई 40, इन सब का टोटल करें 499, सिग्मा एक्स आई एफ आई 499। तो डिवाइड किया तो आ रहा है 12.475, तो वी कैन टेक द अप्रोक्स 12.48। तो ये आ गया मीन, ये क्या है 12.48, अप्रोक्स क्या है, ये नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ मीन आ गया है 12.48 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल 12.48 डेज बच्चे एब्सेंट रहे। दिस इज आंसर।